हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 8 हनीडू से 6th चैप्टर, दिस इज जॉर्डन्स फॉल, उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। काफी कुछ हमने पढ़ लिया था, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। His arms begin to act and he was forced to stop again. तो यहाँ पर क्या होता है, जब जो जॉर्डी था ना, वो उस हिरन को लेकर भाग रहा था जंगल में से, है ना, तो उसके जो हाथ थे वो दर्द करने लगे थे हिरन को संभालते संभालते, है ना, तो उसको रुकना पड़ा एक बार फिर से। Then he walked on, the fawn followed him at once. और जब वो चलने लगा ना, तो फॉन भी जो था वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। He allowed him to walk a little distance. उसने थोड़ा सा दूर उस फॉन को चलने दिया अपने पीछे। Then picked it up again. और उसके बाद फिर से उस फॉन को अपने हाथों में उठा लिया। The distance home was nothing. और घर की दूरी अब ज्यादा नहीं रह गई थी। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. और उसको इतना प्यार था उस फॉन से कि वो उसको उठाकर दिन और रात चल सकता था, उसको उठाकर और उसको अपने पीछे फॉलो करते हुए देखकर पूरा दिन और रात वो बड़े आराम से चल सकता था बड़ी खुशी के साथ। He was wet or sweat, but a little breeze blew through the June morning, cooling him. अब काफी गर्मी लग रही थी, पूरा पसीने से वो भीग गया था, लेकिन जून की सुबह थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से उसको थोड़ा सा शांति मिली, उसका शरीर को थोड़ा ठंडक पहुंची। The sky was clear as spring water in a blue china cup. और जो आकाश था वो बिल्कुल साफ था, इस तरह से साफ था स्प्रिंग के टाइम पर जो बारिश होती है, उस बारिश का पानी भर दिया जाए, तो आप सोच सकते हो कि कितना क्लियर कितना साफ दिखता है, तो वैसे ही आकाश की तुलना की है। He came to the clearing. तो बिल्कुल साफ जगह पर वो आ जाता है। And it was fresh and clean after the night's rain. और रात को जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण सब कुछ बहुत हरा भरा और साफ साफ बिल्कुल ताजा ताजा लग रहा था। He fumbled with the ledge and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब किसी तरीके से वो घर पे पहुंचता है अपने, और दरवाजे की जो कुंडी होती है, लेज का मतलब कुंडी होती है, उसको टटोलता है ना खोलने के लिए, और उस टाइम पर वो जो फॉन था उसको छोड़ देता है अपने आप को संभालने के लिए, ताकि वो अच्छे से कुंडी खोल सके। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the phone walking behind him. तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो घर के अंदर जाएगा सीधे पेनी यानी कि उसके पिता के बेडरूम में, और जो फॉन है वो भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ आएगा। But at the steps, the phone barked and refused to clip them. लेकिन क्या हुआ, कुछ ही कदम चला था, जो फॉन था ना वो अड़ गया। यहाँ पर barked का मतलब होता है अड़ जाना, किसी चीज को करने से बिल्कुल मना कर देना साफ, तो अड़ जाता है, उस सीढ़ियों पर आगे बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है। And refused to clean them. He picked it up and went to his father. तो वो उसको उठा लेता है और अपने पिता के पास जाता है। Penny lay with closed eyes. अब उस टाइम पर जो पहले यानी उनके पिता थे, वो आंखें बंद करके वहां पर लेटे हुए थे। जॉर्डी और पॉप लुक, जॉर्डी जाता है और अपने पिता से कहता है कि पापा पापा देखो देखो मैं क्या लेकर आया। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी जो थे उन्होंने अपना मुंह उधर करके लेटे हुए थे, तो अपना सिर उन्होंने घुमाया। जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम, जॉर्डी उनके पास में बगल में खड़ा हुआ था। एंड द फॉन क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फॉन था ना उसको उसने बड़े ही जकड़ के पकड़ा हुआ था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज वाइट एज द फॉन्स, और ऐसा लग रहा था कि जो लड़का है यानी कि जॉर्डी जो है, उसकी आंखें भी उतनी चमकीली थी, उतनी ब्राइट थी, साफ थी, जितनी कि उस फॉन की। एंड ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, और पिताजी उसको कहते बड़ा खुश होकर, तुम्हें बहुत खुशी है इस बात की कि बेटा तुमने इस फॉन को ढूंढ लिया। Then went to the kitchen. अब जॉर्डी उसके बाद किचन में जाता है। And the fawn wobbled after him. और जो फॉन था वो भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। Wobbled का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाता। A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. अब किचन में सुबह का दूध रखा हुआ था, बचा हुआ। The cream had risen on it. और इसके ऊपर ना, और उस दूध के ऊपर ना मलाई जम गई थी। He skimmed the cream into a jug. तो उसने क्या किया? उस मलाई को छाना जग के अंदर। एंड ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉट, और दूध को एक छोटे से कटोरे के अंदर वो डाल देता है। गॉट से मतलब यहाँ पर होता है कटोरा। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और वो उसके सामने रख देता है, फॉन के सामने रख देता है उस दूध के कटोरे को। इट बेटेड इट सडनली, और
जो फॉर्म होता है ना, पहले तो उसको धकेल देता है ना, उसको ऐसे धकेल देता है, उसको पीता नहीं है और सूंघता है उसे, है ना। He saved it vigorously from spilling over the floor. और उस टाइम पर जब वो फॉर्म उस दूध को धकेल देता है ना, पीता नहीं है, तो जॉडी उसको गिरने से फर्श पर बचा लेता है किसी तरीके से। यहाँ पर precariously का मतलब होता है अनिश्चित रूप से, है ना। It could make nothing of the milk in the jar. अब जो कटोरे के अंदर दूध था, उसको तो जो फॉर्म था वो पीने से मना कर दिया, उसको तो बार बार ढकेल रहा था, तो उससे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He dipped his fingers in the milk and thrust at the fawn's soft, wet mouth. तो उसने क्या किया, अपनी उंगलियां उस कटोरे के दूध में डिप की और फिर फॉन के सॉफ्ट और गीले माउथ के अंदर उनको डाल दिया। सॉफ्ट ग्रीडली, तो बड़े लालच के साथ उस फॉन ने उसको चूसना शुरू कर दिया, है ना। उसको बड़ा अच्छा लगा। When withdrawn, it heated frantically and burst him. अब जब उसने उन उंगलियों को निकाल लिया ना बाहर उनके अंदर से, तो उस फॉन ने फिर से मिमियाना शुरू कर दिया, है ना, उत्तेजित होकर। फ्रेंटिकली का मतलब उत्तेजित होकर, है ना। एंड बट हिम, और उसको ढकेल दिया साइड में। एंड ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फॉन सुक्ड ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फॉन सुक्ड ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। और फिर से उसने मुंह में उंगलियां डाल दी उस फॉन के, और फॉन ने फिर से उसको चूसना शुरू कर दिया। फिर से उसने क्या किया, दूध के कटोरे के अंदर अपनी उंगलियां डाली और मुंह में उसके डाला फॉर्म के, और इस तरीके से उसने धीरे धीरे करके जो सारा दूध था उसको पिलाना शुरू कर दिया, है ना जी। द फॉर्म ब्लू एंड सुक्ड एंड स्नॉटेड, और जो फॉर्म था उसने भी बड़े प्यार से उसको चाटना और पीना दूध को जारी रखा। बड़ा खुश था वो, और साथ ही साथ फुफकार भी रहा था। स्नॉटेड मतलब जो आवाज निकालते हैं जानवर, वैसे स्नॉटेड का मतलब फुफकारना होता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होक्स इंप्रेशनली, और बड़ा ही बेताब होकर अपने छोटे छोटे खुरों को ऐसे जमीन पर देकर मार रहा था, है ना। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फॉन वाज कंटेंट। और जितनी देर तक अपने दूध से डूबी हुई उंगलियां वो उसके मुंह में रख रहा था, जो फॉन था वो संतुष्ट था, बिल्कुल बड़ा खुश था और पी रहा था दूध को। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली, और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी खुश होकर, जैसे किसी सपने में, है ना। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड्स, और उस टाइम पर जॉडी भी जो था वो उस फॉन को देखकर बड़ा खुश था कि मैंने इस फॉन को बचा लिया और किस तरीके से दूध पी रहा है। मंत्रमुग्ध होकर वो उसको देख रहा था। एक्सटेसी का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होकर, उसको फील कर रहा था। जो उसकी जीभ थी ना फॉन की, उसके हाथों पर लग रही थी जब वो उसको दूध पिला रहा, तो बड़ा ही आनंद उसको महसूस हो रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिट बैक एंड फोर्थ, और जो उसकी छोटी सी पूंछ थी ना फॉन की, वो ऊपर नीचे हिल रही थी। यहाँ पर बैक एंड फोर्थ का मतलब ऊपर नीचे हिलना होता है। लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन स्वर्ल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग, और जो दूध का आखिरी घूट था वो झाग के रूप में गड़कने की आवाज के साथ समाप्त हो गया। ठीक है जी। तो गर्गलिंग का मतलब होता है गटकना, फॉर्म का मतलब होता है झाग बन जाना। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है वो एंड होती है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, और कुछ सीखे भी होंगे इससे, किस तरीके से जॉडी ने उस छोटे से फॉर्म को बचा लिया अपनी एक इच्छा शक्ति के कारण, अपना जानवरों से प्यार होने के कारण, अपनी संवेदनशीलता होने के कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।